बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब में सलमान हैदर उम्मीद है परवरदिगार ने आपको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा होगा बड़ी जबरदस्त अपडेट्स के साथ मैं आपके सामने हूँ आज कामयाबियाँ ही कामयाबियां हैं इस वीडियो में इस पहर में जो मैं आपको दे रहा हूँ आज इसराइल का बहरी जहाज़ जंगी बहरी जहाज उड़ाया है किसने अल कासिम ब्रिगेड ने और साथ ज्वाइन किया हुआ था इस्लामिक जहाद ने आज एक बड़ा जन्नाटेदार थप्पड़ आज इसराइलियों को मिला है और साथ साथ हमास की जानेब से नया ताजा ऐलान क्या है और आज के पिछले बारह घंटों के जो जवाबी हमले हैं फलस्ती के उन्होंने इसराइल को किस तरह जख़म चटाए हैं ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है इसके अलावा मैंने आपको बताना है कि असल इस ऑपरेशन का फलस्तीन की जानब से इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया है सिर्फ एक जहादी तंजीम और उसका नाम है इस्लामिक जहाद मूवमेंट नहायत एक्टिव है उसका नाम उन्होंने दिया है ऑपरेशन अलकुद सॉट इसका मोटिव क्या है और ये कहाँ तक का इरादा रखते हैं और इनको कामयाबियाँ किस तरह मिल रही हैं और ये किस तरह इशारा कर रहे हैं कि क्या यह जंग तस्वीर की तरफ जाएगी या किसी बंत की अंजाम तक पहुंचेगी ये तमाम चीजें मैंने आपसे इस पहर शेयर करनी है फ्रेश अपडेट्स हैं लेकिन इन तमाम चीजों को शेयर करने से पहले मैं आपको बताऊं एक और फ्रेश अपडेट है कि किसने कहा है कि वर्ल्ड वॉर जंग अजीम दो में जो नाजीज ने जो शर्मनाक मिसालें छोड़ी थी आज उसकी मिसाल भी मुंह को खा रही है जो इसराइली इस वक्त जुल्मों से कर रहे हैं ना फलस्ती के ऊपर आज अमेरिका के अंदर से ये आवाजें आ रही हैं वर्ल्ड वॉर टू का ये सेकेंड फेज है और वर्ल्ड वॉर टू से ज्यादा बदबخت है कि नाजीज यानी इजरायलीज ने क्या 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 निशानियां छोड़ी थी उस वक्त उन्हें कहा वो वो वक्त याद कर रहा है ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है लेकिन उनसे पहले एक बार से फिर से दरख्वास करूँगा काइंडली मेरी आवाज़ को बुलंद करें चैनल्स को सब्सक्राइब करना रेड बटन दबाएं और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आने वाले वक्त में भी ये अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें फीडबैक से आगा करें क्योंकि हमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सच जानना चाहते हैं हकीकत जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें डिटेल की जानब बढ़ता हूँ जी सबसे पहले कामयाबियों के साथ मैं आपका आपके बात कर लूँ इसराइल का जंगी जहाज़ है जी रेफरेंस बता देता हूँ प्रेस टी वी अलान न्यूज़ एजेंसी फ़लस्तीन बेस्ड है दूसरा है वफ़ा न्यूज़ ये तमाम टॉप ऑफ द लिस्ट अरबिक के अंदर ये न्यूज़ पेश करती हैं और प्रेस टी वी ईरान का ये इंग्लिश के अंदर पेश करता है इनकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसराइल का जंगी जहाज जा, जहाज़ उड़ाया और मकाम मैं बता रहा हूँ गज़ा की पट्टी के साहिल पर इसको निशाना बनाया गया है और ये दूसरे हफ्ते के आगाज़ में जब इसराइल ने बारह घंटे पहले बम्बारमेंट की थी जिसमें फ़्रेश वाक़ के अंदर दस फलस्तनी शहीद हुए थे और फिर कुछ बच्चे दुनिया से गए थे और कुछ बच्चियाँ यतीम हुई थी उसका यह जवाब है जी इसराइल की गुंडागर्दी और बदमाशी जारी है इसराइल की बमबारी जारी है जो मुजाहिदीन जो हैं जो हमास के हैं अलकासिम के हैं और स्पेशली इस्लामिक जाद मूवमेंट के हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा जवाब देना बनता है और ये जहाज़ जारी रहेगा अलकासम ब्रिगेड ने कहा है कि दोपहर के बाद से इसराइल के जंगी जहाज़ हमारे ऊपर हमला कर रहे थे और उन मिज़ाइलों में दरअसल जो इस्तेमाल हुआ था हसला उसका नाम था एफ थर्टी फाइव फाइटर प्लेन उसने हमारे सोते हुए बच्चों और फैमिलीज़ को निशाना बनाया उन बच्चों और फैमिलीज़ की नींद में शहादत का बदला है जिसका जवाब हमने आपका ये जंगी जहाज़ उड़ाया है किसके ज़रिए मेज़ाइल बैरज़ के ज़रिए उन्होंने कहा यह सिलसिला रुकेगा नहीं मज़ीद आपको मैं बताता हूँ ऑपरेशन का नाम उन्होंने अलकुद सॉट दिया है उन्हें बच्चों का हवाला दिया है कि उन बच्चों का बदला लेना है इस ऑपरेशन का स्पेसिफिक मकसद जिनकी ईद मातम में तब्दील की गई है जिनकी जिनके रमज़ान के आखिरी दिन मातम में तब्दील किए गए हैं जिनकी खुशियों को सारी ज़िंदगी के लिए सारी जिंदगी के लिए खून आलूद किया गया है उनका बदला लेने के लिए अच्छा साथ साथ आपको ये भी बताएँ गज़ा में इसराइली मिल्ट्री हमले भी जारी हैं और इन मल्ट्री हमलों के जवाब में फलस्तीन की जानब से जो स्पेशली हम मास का जो स्क्रीबिंग है उनकी जानब से अलकासिम ब्रिगेड के यहाँ से मुसलसल हमले हो रहे हैं अच्छा अलकासिम ब्रिगेड ने इरेज की बुड्स ई आर ई जेड की आई डबल बी यू टी एस इसका साउथ वेस्टर्न पार्ट है जी उसको मिजाइल बैराज के जरिए निशाना बनाया और इस जगह की सेंसिटिविटी मैंने आपको जरूर बतानी है इस मेज़ाइल हमले का ना ताल्लुक ना शुमाली गजा से ना एक किलोमीटर दूर है जहाँ ये बैरज़ेस जाके गिरे हैं और आपको सबसे पहले एयर बेस बताऊँ जिस एयर बेस से दरअसल हवाई जहाज़ एफ उड़ रहा है एफ़ थर्टी फाइव और जो फ़लस्तीनी पर हमला कर रहा है उस एयर बेस का नाम है हर्ज़रम इसराइल एयरफोर्स बेस बीर में उससे भी एक किलोमीटर दूर है यानी अब बेस ज़्यादा दूर नहीं है इस्लामिक जहाज मूवमेंट ने कहा कि हमने अपने ताजा हमलों में जितने भी अदाफ हासिल किए हैं वो तमाम के तमाम कामयाबी से हासिल किए चाहे इसके के मीडिया को उस चीज़ की रसाई हासिल नहीं है उन्होंने जो डिटेल बताई है प्रेस टीवी में प्रेस टीवी में ने रेफरेंस दिया है अल न्यूज एजेंसी का उन्होंने कहा एफ थर्टी फाइव फाइडर प्लेट ने सोते हुए लोगों पर हमला किया तो और हमने जवाबी हमले में उनके जहाज को निशाना बनाया और साथ साथ उनके एयरपोर्ट के करीब जो जहां से ये फ्लाइट बढ़ते हैं टेक ऑफ बढ़ते हैं एफ थर्टी फाइव उनको निशाना बनाया उनका साथ साथ ये कहना था कि पीर के रोज के बाद से ये बैराज के हमले मजीद बढ़ेंगे और हमारा फ्रेश इक्विपमेंट बाहर सामने आ चुका है एक और चीज जो मैंने आपसे शेयर करनी थी वो ये चीज शेयर करनी थी कि वर्ल्ड वॉर टू के लिए अमेरिका के जितने भी टॉप स्लॉट तजिया कार हैं ना उन्होंने प्रेस टीवी में उनका इटोरियल छपा है ए में उनका छपा है ए में उनका छपा है तजिया उन सब का ये कहना है कि वर्ल्ड वार टू में जो यहूदियों के वार क्राइम थे ना उनकी याद भुला दी है जिस तरह मज़लूम फ़लस्तीियों को शहीद किया जा रहा है जिस तरह औरतों और बच्चों को मारा जा रहा है तो ये तय हो गया कि फ़लस्तीियों की आवाज़ में अब गूंज बहुत ज़्यादा आती नज़र आ रही है मजीद डिटेल आपके साथ शेयर करूँ हमास ने कहा है कि अमरीका इस साजिश में बराबर का हिस्सेदार है और अमेरिका की ही ईमा पर शैतान बुजुर्ग अमेरिका है और अमेरिका की ही ईमा पर फलस्ती पर ये हमले हो रहे हैं लेकिन इनको कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे तर्जुमान अबू उबैदा का ये कहना है कि अभी इसराइल मजीद सरप्राइज़ के लिए तैयार रहे और आपको मैंने बताया था कि एयर स्ट्राइक के जरिए जहाँ जहाँ नुकसान पहुँचा रहा पहुँचाया जा रहा है वहाँ साथ आपको बताऊँ एक बड़ा नुकसान फ़लस्तीन को मिला है और वो है उनकी पावर लाइन उनकी बिजली की पावर सप्लाई लाइन थी ना वो तबाह कर दी है हालिया फिज़ाई हमले में इसराइल की जानब से इसकी वजह से वहाँ रात के टाइम बहुत ज़्यादा दे रहा है और खौफ बहुत ज़्यादा है स्पेशली बच्चों के अंदर ये तमाम अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर की और एक बार फिर से मैं आपको बताऊँ कि मज़ीद इस जंग के अंदर तूल आता जा रहा है हम माज की शर्त सिर्फ़ और सिर्फ और दीगर जो जहादी तनज़ीमें हैं स्पेशली स्पेशली अलकासिम ब्रिगेड और इस्लामिक जहाज मूवमेंट इन सब का ये कहना है कि जब तक कम अज कम कम अज कम मस्जिद अक्सा से इसराइलीओ के नापाक कदम ख़त्म नहीं होंगे तब तक यह जहाज़ जारी रहेगा और इस्लामिक जहाज मूवमेंट ने कहा और हमारे हमले जारी रहेंगे ऑपरेशन सॉर्ड के हवाले से उन बच्चों का बदला लेना है जिनकी ईद खराब की जिनके माँ बाप को मारा गया इनको सोते हुए हमले का निशाना बनाया गया तो इस वीडियो में मैंने आपको ये एक बड़ी खबर शेयर आपके साथ कहने कह दी थी कि इसराइल का बहरी जंगी जहाज़ आज उड़ा दिया गया है तो कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि खुदाई मदद भी पहुँच चुकी है यह थी अब तक की फ्रेश अपडेट्स एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस आवाज़ को बुलंद कर दें ये आपकी और हर इंसान की आवाज़ है ज़्यादा दीजिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा हाफिज़